नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के हॉटस्पॉट मुबारकपुर कस्बे के चकसिफ्टी नयापुरा में शुक्रवार को एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। यह सातवें कोरोना पॉजिटिव महिला का भतीजा है। इसे 5 दिन पहले रानी सराय स्थित APS स्कूल में बनाए गए शेल्टर होम में क्वारंटीन किया गया था। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव लड़के को राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में आइसोलेट कर दिया है। सार होम में इसके साथ रह रहे 4 अन्य लड़कों को फिर से क्वारंटाइन कर उनके भी सैंपल फिर से जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। जनपद के हॉटस्पॉट मुबारकपुर के चकसिफ्टी में अभी तक कुल 8 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। सबसे पहले यहाँ की एक मस्जिद में रह रहे बाहरी प्रदेशों के 3 जमाती कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए थे, जो इलाज के बाद अब ठीक हो चुके हैं। इन जमातियों के संपर्क में आए मस्जिद के केयरटेकर समेत उसके परिवार के 2 अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर में चल रहा है। 5 दिन पहले ही केयरटेकर के परिवार के संपर्क में आने से उनकी पड़ोसी एक महिला भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी, जिसे मेडिकल कॉलेज में आइसोलेट किया गया था। महिला के भतीजे समेत 5 अन्य लड़कों को भी 5 दिन पहले रानीसराय स्थित शेल्टर होम में क्वारंटाइन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। CMO डॉक्टर AK मिश्रा ने बताया कि जनपद में 8वां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। यह 11 साल का लड़का है, जिसको आइसोलेट कर इलाज शुरू कर दिया गया है। इस लड़के के साथ में रह रहे 4 अन्य लड़कों को फिर से क्वारंटाइन कर उनका भी सैंपल जांच के लिए भेजा जा रहा है। वहीं मुबारकपुर कस्बे में 8वां कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।